Hello everyone. In this video lecture, I am going to talk about the cnidaria. Last video lecture में हमने बात की थी phylum Porifera की. अगर आपने वो video lecture नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा. तो चलिए start करते हैं phylum cnidaria. तो इसके अंदर जितने भी organisms आते हैं वो कैसे होते हैं? They are aquatic, यानी कि पानी में मिलने वाले organisms इस group के अंदर रखे गए हैं, इस phylum के अंदर रखे गए हैं. दूसरा, mostly marine. Marine कैसे organisms होते हैं? जो समुद्र के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैरिन एनिमल. ठीक है, तो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? मैरिन एनिमल होते हैं. साथ ही ससाइल. ससाइल क्या होता है? कि कोई ऑर्गेनिज्म है और वो किसी सबस्ट्रेट अपने इस वाले स्ट्रक्चर से, अपने सबस्ट्रेटम से चिपक जाए या कनेक्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं ससाइल. तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन से चिपक जाते हैं, यानी कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं? ससाइल ऑर्गेनिज्म्स होते हैं. नेक्स्ट है फ्री स्विमिंग, यानी कि फ्रीली ये स्विम करते रहते हैं अपनी उस सबस्ट्रेट से जुड़े हुए, कहीं भी इस तरीके से फ्रीली मूव करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं. साथ ही कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री. सिमेट्री हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाई है कि सिमेट्री क्या होती है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से अगर हम काटें, रेडियल सिमेट्री की पर्टिकुलरली हम इसमें बात कर रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से अगर हम काटें और उसके बराबर, यानी कि इक्वल हाफ अगर हमें मिल रहे हैं, तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. तो यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है. अब नेक्स्ट कैसे होते हैं ये? दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन Porifera कैसे होते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके अंदर सेल होती हैं और वो सेल भी कैसी होती है? लूजली अरेंज होती हैं. इसमें क्या है? टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कब बनेगा? जब सेल्स का ग्रुप, और वो सेल्स का ग्रुप भी कैसा? कॉम्पैक्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा. सेल्स जो है बहुत टाइटली किसी से पैक्ड होंगी, और जब काफ़ी सारी सेल इस तरीके से टाइटली पैक्ड होंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं. किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो इस टाइप का इनका क्या होता है? ऑर्गन लेवल होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ये एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो का मतलब होता है दो, और ब्लास्ट का मतलब होता है लेयर. यानी कि इस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दो लेयर इनके पास मिलती हैं, एक तो होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म. ठीक है, तो दो लेयर इनमें बनती हैं. दूसरा सीलोमेट, यानी कि सीलोम यानी कि एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इनके बीच में है. ठीक है, इनके बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो उसको हम बोलेंगे सीलोमेट. फिर सिंगल ओपनिंग, और साथ ही साथ इनमें क्या होती है? सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है. ठीक है, एक ही ओपनिंग इनके अंदर होती है. नेक्स्ट आता है दे शो टू टाइप्स ऑफ बॉडी कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा. तो इनकी ये क्या दिखाते हैं? दो टाइप की बॉडी को दिखाते हैं, एक पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा. मेड्यूसा और पॉलिप, जैसे कि ओलेरिया है, हाइड्रा है, इनमें मान लीजिए ये कोई हाइड्रा है और हाइड्रा का ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको तो हम कहेंगे पॉलिप. ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉलिप, और ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे मेड्यूसा. तो इसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से दो भागों में डिवाइड होती है. एक को बोलते हैं पॉलिप, जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे पॉलिप, और ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मेड्यूसा. ठीक है, पॉलिप इज ससाइल. हमने क्या बताया? ससाइल क्या करता है? कि सबस्ट्रेट से अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं ससाइल. तो ये वाला जो हमने पोर्शन बताया, जो सिलेंडर लाइक पोर्शन है, यही तो किसी से, किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी सबस्ट्रेट से कनेक्ट होने का काम कर रहा है. तो जो पॉलिप है वो क्या करेगा? ससाइल है. पॉलिप कैसा होगा? ससाइल होगा, क्योंकि वो किसी सबस्ट्रेट से कनेक्ट होने का काम कर रहा है या फिक्स होने का काम कर रहा है. दूसरा, ये जो पॉलिप है कैसा होता है? सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि राउंड ऐसा सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी हियर. नेक्स्ट इज विदाउट गोनेट्स. इसके अंदर कोई भी गोनेट्स नहीं होते, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट्स इस पॉलिप वाले पोर्शन के अंदर नहीं होते हैं. गोनेट्स क्या होते हैं? जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गोनेट्स कहते हैं. तो इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, गोनेट्स यहाँ पर नहीं है. एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया. ठीक है, हाइड्रा एंड एडेम्सिया आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम. नेक्स्ट इज मेड्यूसा. मेड्यूसा इज स्विमिंग, फ्री स्विमिंग. ठीक है, मेड्यूसा कैसा होता है? फ्रीली स्विम करता हुआ नजर आता है. दूसरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक होता है, हैविंग गोनेट्स
इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसी वाले एरिया में होंगे, जैसे कि ओलेरिया एंड जेलीफिश। हमने बताया कि इसके अंदर दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि पॉलिप है और दूसरा क्या है, मेड्यूसा। ठीक है, अब ये जो मेड्यूसा, अब हम बात कर रहे हैं मेड्यूसा की, तो मेड्यूसा कैसा स्ट्रक्चर है, मेड्यूसा जो स्ट्रक्चर होता है ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ इसी के अंदर क्या होते हैं, गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स क्या होते हैं, जो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जैसे कि जेलीफिश। जेलीफिश ना इस टाइप की होती है, डायग्राम देखिएगा आप बुक में, तो जेलीफिश का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यानी कि अम्ब्रेला शेप होता है। ओलेरिया भी इसी टाइप की होती है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, गोनेड्स इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये फ्रीली स्विम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है, सम निडेरियंस एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली, एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। तो कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं जिसके अंदर ये दोनों ही फॉर्म्स दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के जो दोनों ही फॉर्म को दिखाते हैं, जैसे कि ओबेलिया। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, यानी कि जो पॉलिप, हमने क्या बताया था कि पॉलिप जो है एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर गोनेड्स नहीं होते हैं। अब जब गोनेड्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मेड्यूसा को प्रोड्यूस कर भी रहा होगा तो कैसे करेगा, एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी गोनेड नहीं है, गोनेड यानी कि सेक्स ऑर्गन यहाँ पर नहीं है, तो एसेक्सुअली ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा। और मेड्यूसा क्या है, वो पॉलिप को प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने बताया कि जो मेड्यूसा वाला पोर्शन है इसके अंदर गोनेड्स हैं, यानी कि सेक्सुअल पार्ट, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये जो पॉलिप को बनाएगा वो सेक्सुअली बनाएगा, और जो पॉलिप है वो मेड्यूसा को बनाएगा, कैसे बनाएगा, एसेक्सुअली बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गोनेड्स हैं वो एबसेंट हैं, जबकि यहाँ पर गोनेड्स प्रेजेंट हैं, इसलिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये फाइलम समझ में आया हो, क्लियर हुआ होगा। अगर ये फाइलम आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा की। थैंक यू स्टूडेंट।